सितारे जो रात में पूरे आकाश को घेरे रहते हैं, मानवों के लिए हमेशा से रहस्य बने हुए हैं। आकाशगंगा में अरबों की संख्या में ग्रेविटी के द्वारा तैरते ये सितारे यानी स्टार्स दिखने और समझने में जितने आसान हमें लगते हैं, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हमारी समझ से परे हैं। एक सितारा ही इस ब्रह्मांड को जीवन देने के साथ साथ उसे खत्म भी कर देता है। स्टार्स ग्रहों पर जीवन को जन्म देने के साथ साथ अपने अंतिम समय में उसे सुपरनोवा धमाके के साथ खत्म भी कर देते हैं और फिर विशाल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में बदलकर कई खरबों खरबों सालों तक ब्रह्मांड में लगातार भटकते रहते हैं। आप जब रात में आसमान को निहारते हो तो केवल 5000 तारों को ही देख पाते हो, जिनमें से ज्यादातर हमारे सूर्य ही तरह ही विशाल और चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। पर रुकिए, अगर आप आज तक यही समझते आ रहे थे कि तारे हमेशा सूर्य जैसे ही विशाल और हमेशा चमकते रहते हैं, तो आज आप इस वीडियो में तारों के बारे में बताई गई बातों को जानकर हैरान रह जाओगे। मैं आपको ब्रह्मांड में तारों की सैर पर लेके जाऊंगा, जहां आप ऐसे ऐसे तारों को देखोगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये तारे इतने रहस्यमयी और विशाल हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे भी इनके सामने किसी गिनती में नहीं आते। हजारों एक्सपेरिमेंट और कंप्यूटर सिमुलेशंस के बाद भी वैज्ञानिक इन्हें समझ नहीं सके हैं। न्यूट्रॉन स्टार, वाइट ड्वार्फ स्टार्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर आज मैं आपको उन स्टार्स की ओर ले जाने वाला हूँ जिनके बारे में इससे पहले आपने किसी किताब में भी नहीं सुना होगा। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ स्टार्स की अनोखी यात्रा पर। बिग बैंग से बनने से लेकर के अब तक के ब्रह्मांड में जन्मे तारों को वैज्ञानिकों ने तीन ग्रुप्स में बांटा है। ये क्लासिफिकेशन स्टेलर पॉपुलेशन के नाम से जानी जाती है, जिसमें तारों के ग्रुप्स को उनके अंदर मौजूद मेटल्स की मात्रा पर क्लासिफाई किया जाता है। ये पॉपुलेशन 3, पॉपुलेशन 2 और पॉपुलेशन 1 स्टार्स कहे जाते हैं। जो तारे ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बने यानी सबसे पहले तारे थे, उनमें मेटालिक कंटेंट बहुत कम था, तो उन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है। ये स्टार सबसे पुराने और तब पैदा हुए माने जाते हैं जब हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का बनना शुरू ही हुआ था। ये हाइपोथेटिकल स्टार्स हैं जो बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद जन्मे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर किसी भी तरह का कोई मेटालिक तत्व मौजूद नहीं है। 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम का बोलबाला था, इसलिए उस समय जन्मे ये पॉपुलेशन 3 स्टार्स इन्हीं गैसों के इकट्ठा होने से बने होंगे और इनका आकार भी बहुत विशाल होगा। हाल में ही किए गए कंप्यूटर सिमुलेशंस बताते हैं कि ये पॉपुलेशन 3 स्टार्स सूर्य से हजारों गुना मैसिव और विशाल आकार के रहे होंगे। अगर ये तारे आज भी होते तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे यूवाई स्कूटी, जो हमारे सूर्य से 30 गुना मैसिव है, तो ये स्टार्स उससे भी 33 गुना भारी होते और आकार में इतने विशाल होते कि करोड़ों यूवाई स्कूटी तारे इनमें समा जाएं। बिग बैंग के तुरंत बाद बनने के कारण वैज्ञानिक इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व तो नहीं कर सके हैं, पर वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के जरिए ऐसे ही कुछ तारों का पता लगाया है। इन तारों को खोजना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर पॉप 3 यानी पॉपुलेशन 3 स्टार्स हमसे 13 अरब लाइट ईयर से भी ज्यादा दूर हैं, जिसका अर्थ है कि इनके अंदर से निकलने वाली लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में 13 अरब से ज्यादा समय लगा है। अगर हम आज इन्हें देख रहे हैं तो ये वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, बस इनका प्रकाश बचा है जो लगातार ब्रह्मांड में भटक कर इनके अस्तित्व को दर्शाता है। हबल टेलीस्कोप की 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स तक देखने की लिमिट के कारण वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वे आने वाले जेम्स वेब टेलीस्कोप से इन तारों को जरूर देख पाएंगे। इन्हें देखना एकदम ऐसा होगा मानो आप अपनी गैलेक्सी के जन्म को आंखों के सामने देख रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पॉपुलेशन 2 स्टार्स की ओर। ये तारे मास और आकार में पॉपुलेशन 3 स्टार से तो कम है ही, पर ये अपने अंदर मेटालिक कंटेंट की कुछ मात्रा को भी रखते हैं। केवल हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा इन स्टार्स के अंदर कुछ हद तक हैवी एलिमेंट्स की भी मात्रा मौजूद होती है। करीब 12.5 अरब साल पुराने ये स्टार्स हमें ब्रह्मांड के उस दौर की ओर ले जाते हैं जब गैलेक्टिक सेंटर में तारों के बनने की होड़ मची हुई थी और हमारी आकाशगंगा अपना एक आकार ले चुकी थी। पॉपुलेशन 3 स्टार्स की जगह इन तारों को खोजना ज्यादा आसान है और वैज्ञानिकों ने कई पॉपुलेशन 2 स्टार्स खोज निकाले हैं, जिनमें से एक पॉप 2 तारा HE01075240 पृथ्वी से 36,000 लाइट ईयर दूर है और करीब 13 अरब साल पहले इसका जन्म हुआ था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कैसा दिखाई देता है। सूर्य से तुलना करें तो इसका मास सूर्य से थोड़ा सा कम है और इसके अंदर मौजूद मेटालिक यानी हैवी एलिमेंट्स की बात की जाए तो ये सूर्य की तुलना में 1,60,000 गुना कम मेटल्स अपने अंदर ही रख पाता है। सूर्य से कम आकार और बहुत ही कम मेटालिक कंटेंट जैसे कि ऑक्सीजन और आयरन होने की वजह से ये तारा आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगा। तारा जितना छोटा होता है उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। ज्यादातर मैसिव तारे जल्दी ही ब्रह्मांड से गायब हो जाते हैं। इसी वजह से पॉपुलेशन 3 टाइप तारे जो कि सूर्य से हजारों गुना मैसिव थे बहुत जल्दी बने और उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड से गायब भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पॉपुलेशन 1 स्टार्स की ओर, जिन्होंने आज ब्रह्मांड की हर गैलेक्सी को घेर रखा है।
ये वो तारे हैं जिन्हें आप हर रात अपनी आंखों से देखते हो। हमारा सूर्य और जितने भी उसके जैसे नए तारे जिनमें अपार मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा मेटालिक तत्व भी होते हैं, वो पॉपुलेशन 1 स्टार्स कहे जाते हैं। ये तारे पॉप 2 और 3 से एकदम अलग और आकार में बहुत छोटे होते हैं और ज्यादातर मिल्की वे गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म में पाए जाते हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इन्हें आप आसानी से देख सकते हो। हमारा सूर्य इसी कैटेगरी का तारा है जो 5 अरब साल पहले धूल के बादलों से बना है। अपार मात्रा में हैवी एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन होने के कारण ये तारे ब्रह्मांड में ग्रहों के जन्म के साथ साथ जीवन को पनपने का भी मौका देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम इंसान और ज्यादातर जीव इन्हीं तारों के सुपरनोवा धमाके से निकलने वाले मेटालिक तत्वों से ही बने हैं। पॉपुलेशन 3, 2 और 1 स्टार्स के बाद आइए चलते हैं एक ऐसे स्टार की ओर जो ब्रह्मांड में होते हुए भी कभी दिखाई नहीं देता है। इसे किसी टेलीस्कोप से देखना लगभग असंभव है और इस तारे की उम्र इतनी ज्यादा है कि शायद ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी ये कई ट्रिलियन ट्रिलियन सालों तक जीवित रहेगा। मैं बात कर रहा हूं ब्लैक ड्वार्फ स्टार्स की, जो सूर्य जैसे तारे के मरने के बाद बनते हैं। हालांकि इनका जन्म सीधे सूर्य के खत्म होने के बाद नहीं होता है, बल्कि इनके बनने की प्रक्रिया बहुत ही अलग और अजीब होती है। जब सूर्य अंतिम समय में अपने मास को अंतरिक्ष में रिलीज करता है, तब वह एक रेड जायंट स्टार बन जाता है। जैसे ही उसका यह सारा मास अंतरिक्ष में दूर तक फैल जाता है, तो उसकी बची हुई कोर बहुत हद तक कंप्रेस होकर के एक वाइट ड्वार्फ स्टार को जन्म देती है, जो आकार में पृथ्वी के बराबर होता है पर मास आधे सूर्य जितना होता है। छोटे आकार और हद से ज्यादा मास और डेंसिटी की वजह से ये तारे बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। बिना न्यूक्लियर फ्यूजन के ये तारे किसी भी तरह की एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं और रेडिएट होकर अपनी बची हुई एनर्जी को खोने लगते हैं। फिर कई खरबों सालों के बाद एक समय ऐसा आता है कि इनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती और ये लगातार ठंडे होने लगते हैं। इस समय ये अपनी चमक को भी खो देते हैं और ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनने लगते हैं। व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनने की प्रक्रिया जितनी आसान हमें दिखाई देती है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक व्हाइट ड्वार्फ तारा पूरी तरह से अपनी एनर्जी को खोने में इतना ज्यादा समय लगाता है कि हमारा ब्रह्मांड तब तक पूरी तरह बिखर कर खत्म होने की कगार पर होता है। लगातार एक्सपेंशन के कारण हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूर चला जाता है कि ब्रह्मांड में फिर वो कभी दिखाई नहीं देता है। हर चीज के बीच में अरबों लाइट ईयर्स का गैप होता है, तब भी हमारा व्हाइट ड्वार्फ तारा एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार में नहीं बदल पाता है। इसे पूरी तरह ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनने में 10^15 ईयर्स यानी एक के पीछे 15 जीरो लगा दो इतने साल लगते हैं, जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा देता है। ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनते ही अब स्टार में किसी भी तरह की कोई हीट, लाइट या एनर्जी नहीं होती है और तापमान केवल 0.06 केल्विन रह जाता है। ये केवल ब्रह्मांड में मैटर की एक गेंद बनकर तैरता रहता है। ये इतना काला होता है कि इसे देख पाना असंभव है। इसे केवल ग्रेविटी के प्रभाव से ऑब्जर्व किया जाता है। चूंकि एक व्हाइट ड्वार्फ को ब्लैक ड्वार्फ बनने में ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा समय लगता है, इसलिए आज तक हम इन्हें खोज नहीं सके हैं। वही ब्लैक ड्वार्फ जो एक स्टार की लास्ट स्टेज होती है, बहुत बहुत धीरे धीरे ब्रह्मांड में खत्म होती है। वैज्ञानिक नहीं जानते हैं कि ये कितने वर्षों तक ब्रह्मांड में रह सकता है। अगर मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटोन कभी खत्म होता है, तो मानकर चलिए कि ब्लैक ड्वार्फ कम से कम 10^37 ईयर्स तक ब्रह्मांड में जीवित रह सकता है। अगर प्रोटोन डीके नहीं होता और हमेशा अमर ही रहता है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि एक ब्लैक ड्वार्फ स्टार कितने वर्षों तक जीवित रह पाएगा। पर अगर आप ब्लैक ड्वार्फ स्टार से हैरान नहीं हुए हो, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और थ्योरेटिकल स्टार की ओर, जो अगर ब्रह्मांड में मौजूद है तो सचमुच भारी तबाही ला सकता है। इस स्टार को वैज्ञानिक स्ट्रेंज स्टार कहते हैं, जो वास्तव में एक न्यूट्रॉन स्टार ही होता है, पर इसमें मैटर इस हद तक कंप्रेस होता है कि उनके बीच मौजूद एटम्स बिल्कुल भी खाली नहीं होते। इन तारों के अंदर मौजूद डीजनरेट मैटर, जो कि न्यूट्रॉन पार्टिकल से बना होता है, वो हाई प्रेशर की वजह से इतना कंप्रेस हो जाता है कि फिर उसके अंदर केवल क्वार्क पार्टिकल्स ही बचते हैं, जो क्वार्क मैटर बनाते हैं। इसी क्वार्क मैटर से बना तारा क्वार्क स्टार कहा जाता है। अब अगर यही क्वार्क पार्टिकल्स और ज्यादा हीट और प्रेशर झेलते हैं, तो फिर स्ट्रेंज क्वार्क में बदल जाते हैं और फिर यही क्वार्क स्टार बाद में स्ट्रेंज स्टार में बदल जाता है। ये स्टार बहुत ज्यादा रहस्यमय और सबसे ताकतवर होते हैं। इनके अंदर मौजूद मैटर की एक बूंद ही इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर वो किसी ऑर्डिनरी मैटर से टकरा जाए, तो उसे भी स्ट्रेंज मैटर में बदल देती है। स्ट्रेंज मैटर की बूंद, जिसे स्ट्रेंजलेट कहते हैं, अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाए, तो ये पृथ्वी को तुरंत स्ट्रेंज मैटर में बदलने की कोशिश करेगी, जिसे पृथ्वी का आकार सिकुड़कर केवल एक उल्कापिंड जितना रह जाएगा। स्ट्रेंज स्टार वास्तव में बहुत ही खतरनाक तारे हैं। इनके बारे में मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर इनके बारे में और गहराई से जान सकते हो। तारों की बात की जाए तो ब्रह्मांड में कई तरह के तारे मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो में हमने 5 तरह के तारों के बारे में जाना है जो अपने आप में बहुत अनोखे हैं। पॉपुलेशन 3, ब्लैक ड्वार्फ और स्ट्रेंज स्टार को छोड़कर सभी तारे ब्रह्मांड में आपको आसानी से दिख जाएंगे। पॉपुलेशन 3 स्टार ब्रह्मांड के आरंभ में जन्मे और वहीं खत्म हो गए, पर ब्लैक ड्वार्फ और स्ट्रेंज स्टार दो ऐसे तारे हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व नहीं किया है। इस समय ब्रह्मांड में एक भी ब्लैक ड्वार्फ स्टार मौजूद नहीं है। ये तारे आप ब्रह्मांड के खत्म होने के कई हजार ट्रिलियन ट्रिलियन सालों के बाद ही ऑब्जर्व कर पाओगे। वहीं स्ट्रेंज स्टार अपने नाम के मुताबिक ही स्ट्रेंज है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इस समय ब्रह्मांड में शायद हो भी सकते हैं, और क्या पता ये गैलेक्सी में मिलने वाले डार्क मैटर के लिए भी जिम्मेदार हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तारे ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और साथ में अपने विचार को भी कमेंट में लिखें, और एक दूसरे से क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि पूछने से ही ज्ञान आगे बढ़ता है। इसके अलावा आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट vigyanam.com को बुकमार्क भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।